मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आज का संपूर्ण राशिफल लेके। ये राशिफल है मंगलवार यानी कि 4 फरवरी 2020 का। अगर हिंदी कैलेंडर यानी कि अपने पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2076 माघ मास शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि। आज शाम के 5:35 तक रहने वाला है, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज रहने वाला है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र आज रात के 10:11 तक रहेगा, उसके बाद मृगशीर्षा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। व्रत त्यौहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों आज के संपूर्ण राशिफल में हम जानने वाले हैं कुल 12 राशियों का आज का राशिफल। साथ ही हम जानेंगे आज का शुभ समय, अशुभ समय, दिशाशूल, शुभ खाद्य, भाग्यवर्धक उपाय, राशि अनुसार क्या खाद्य पदार्थ आपके लिए अशुभ रहेगा तथा राशि अनुसार कौन सा रंग आपके लिए अशुभ रहने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और संपूर्ण राशिफल का लाभ उठावें। जिन मित्रों को भी अभी तक अपनी सही राशि पता नहीं चल पाई है वे हमें कमेंट बॉक्स में ठीक इसी प्रकार से अपना पूरा विवरण लिख के दें, जिसमें कि आप हमें बताएंगे अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान ठीक इसी प्रकार से, ताकि हम आपकी कुंडली को देख पाएं और आपको बता पाएं कि आपकी सही राशि क्या है और आप अपना सटीक राशिफल हर रोज धर्म शिक्षा चैनल से देख पाएं। मित्रों अगर आपको हमारा आज का ये राशिफल का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। मित्रों आज के 12 राशि का राशिफल आपको बताना आरंभ करूं, इससे पहले आइए जान लेते हैं आज ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति होती है पूरा का पूरा राशिफल उस पर निर्भर करता है। आज चंद्रमा वृष राशि में, राहु मिथुन राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में, गुरु धनु राशि में, शनि सूर्य के साथ मकर राशि में, बुध कुंभ राशि में, शुक्र आज मीन राशि में। तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिजाज हाल आज के राशिफल में हम जानने वाले हैं। तो आइए अब बात करेंगे पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि में चंद्रमा आज 12वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ खाने के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में तथा रिश्तेदारों में आपसी सामंजस्य भी बना रहेगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आपके बचत में वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ होगा, बैंक बैलेंस और बचत आपकी बढ़ती हुई आज नजर आ रही है। आपके लिए वस्त्र आभूषण और रत्न खरीदने के योग भी बन रहे हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपेक्षाकृत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कमी ना रखें, लक्ष्य को प्राप्त करने में यही आपके सहायक होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। किसी प्रकार की हालांकि चिंता आपको रह सकती है, साथ ही अनिद्रा का कारण हो सकता है, तो आपको अपनी चिंता पर सबसे पहले नियंत्रण रखना चाहिए। बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। जीवन साथी से आज दिन भर में कुछ अनबन होने की संभावना बन रही है, तो आपसी सामंजस्य बना के रखें। आज के दिन ऑरेंज यानी कि संतरा खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग ऑरेंज यानी कि नारंगी। मित्रों अब बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि में चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। आज के दिन आप अपने पराक्रम के बल पर और मेहनत के बल पर अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे। यात्रा के भी योग आपके लिए बन रहे हैं और यात्रा आपकी शुभ रहने वाली है, काम आपके बनेंगे। व्यापार के लिए या जीवन जीने के लिए आपको नए सहयोग भी आज मिल सकते हैं। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आपके लिए आज अच्छे संयोग भी बन रहे हैं। आज के दिन अगर कुछ नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन नया कार्य आरंभ करने से पहले वीडियो के अंत में जरूर जान लें आज का शुभ समय क्या है। शुभ समय में ही नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, साथ ही निंद्रा और आलस से आपको घेर सकते हैं जो कि पढ़ाई नहीं करने देंगे। तो निंद्रा और आलस्य का त्याग कर इन दोनों पर विजय प्राप्त करके आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, सफलता तभी मिलेगी। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आज नए संबंधों की शुरुआत भी हो सकती है। आज के दिन अगर दही अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी रंग।
बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन थोड़ा खर्चीला रह सकता है धार्मिक कार्यों पर और मांगलिक कार्यों पर आपके खर्च हो सकते हैं। आपको आज कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है, प्रसन्नता में वृद्धि होगी, दिन भर खुश रहेंगे, आत्मसम्मान से भी आपका दिन आज भरा हुआ रहेगा। जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको मान सम्मान भी मिलेगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापार करने वाले जातक आज थोड़ा संभल कर रहे हैं, अनावश्यक खर्च आपके हो सकते हैं, फिजूल खर्च हो सकते हैं, जिससे आपका पूरा व्यापार प्रभावित हो सकता है। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, माँ सरस्वती का स्मरण करें और मेहनत करें, सफलता की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पर होगी। बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका मध्यम रहने वाला है, गैस संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको रह सकती है, तो अपने खान पान पर ध्यान रखें। बात करें प्रेम संबंध की, तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ सकती है, विवाह के लिए प्रस्ताव भी आ सकता है, नए संबंधों की शुरुआत भी आज हो सकती है। आज के दिन नींबू अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग। बात करेंगे अब कर्क राशि की, कर्क राशि में चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज का दिन आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। आज आपकी कई प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति भी हो सकती है, अपने से बड़े माता पिता या बड़े भाई बहन जो भी आपसे बड़े हों, गुरुजन हों, इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ऑफिस में सगे संबंधियों में और मित्रों में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज का दिन आपके लिए कुल मिलाकर शुभ रहने वाला है। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो कर्क राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार में अचानक लाभ के योग बन रहे हैं, मकान और घर के भी योग बन रहे हैं, व्यापारियों के लिए लाभदायक दिन तो रहने वाला है। आपके लिए आज अच्छे संयोग भी बन रहे हैं, अगर आज के दिन कुछ नया कार्य आरंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन नया कार्य आरंभ करने से पहले वीडियो के अंत में जरूर जानें आज का शुभ समय क्या है, शुभ समय में ही नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, आज आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज के दिन बढ़िया रहने वाला है, रिश्तों में नई शुरुआत भी हो सकती है। आज के दिन अगर दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग केसरिया रंग। बात करेंगे सिंह राशि की, सिंह राशि में चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन रुके हुए कार्य को और फंसे हुए कार्य को बनाने वाला दिन है। जितने भी आपके रुके हुए फंसे हुए कार्य हैं उन सबको खत्म करने की कोशिश करें, आज उनको खत्म करने में आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता का सहयोग भी प्राप्त आपको होगा। आपकी कुंडली से आपके संतान को सफलता की प्राप्ति होगी और उनके कार्य भी बनते हुए दिखेंगे। साथ ही अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, पड़ोसियों से, मित्रों से, सगे संबंधियों से संबंध मधुर बनाने का प्रयास करें, उनसे लड़ाई झगड़े के योग भी बन रहे हैं तो उत्तम यही रहेगा कि आप अपने आप पर ही नियंत्रण रखें, किसी से लड़ाई झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापार में आज आपको हानि हो सकती है, व्यर्थ के खर्चे से आपको बचना चाहिए। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खर्चीला रह सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, आज का दिन आपको मानसिक परेशानी भी दे सकता है। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य से कम रहने वाला है, जीवन साथी से वाद विवाद हो सकते हैं तो आज आपको आपसी सामंजस्य बनाकर रखना होगा। आज के दिन अगर ब्राउन राइस यानी कि पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग गोल्डन कलर। बात करेंगे अब कन्या राशि की, कन्या राशि में चंद्रमा आज पाँचवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। भगवान के पूजा पाठ में आपको सफलता मिलेगी और भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। अपने से बड़े और गुरुजनों का आशीर्वाद, जो भी आपसे बड़े हैं ऐसे लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने के योग भी आपके लिए बन सकते हैं, आज ऐसे योग बने तो निश्चित तौर पर जाइए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जिन पर भगवान की कृपा होती है वही तीर्थस्थल पर जा पाते हैं। वरना लोग प्रयास तो करते ही रहते हैं, किन्हीं ना किन्हीं कारणों से वो नहीं जा पाते। अच्छे समाचार की प्राप्ति आपको होगी, अगर कहीं आप मेहमान बनकर जाते हैं तो आपका स्वागत वहाँ बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, मेहमानबाजी का पूरा आनंद आप उठा पाएंगे।
मित्रों तथा बड़े भाई बहनों के सहयोग से कैरियर में आपको सफलता मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य का लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करेंगे कन्या राशि के व्यापार और धन की, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, व्यापार में भी लाभ होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, सफलता की प्राप्ति आपको होगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आज सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज के दिन बढ़िया रहने वाला है। आज के दिन अगर बादाम खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग नीला रंग। बात करेंगे अब तुला राशि की, तुला राशि में चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप तुला राशि वालों को आज संतान की तरफ से थोड़ी चिंता रह सकती है, तो अपने संतान का ध्यान रखें। आपके अधीनस्थ कर्मचारी और नौकरों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा, हिम्मत और पराक्रम आपका बना हुआ रहेगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी उन्नतिदायक रहने वाला है, आपकी उन्नति भी हो सकती है, आय के नए स्रोत बनेंगे और व्यापार में भी आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको आज मिल सकता है, डूबा हुआ कोई धन भी प्राप्त हो सकता है, छोटे भाई बहनों से सहयोग तथा लाभ आपको आज मिलेगा। बात करेंगे तुला राशि के विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है, विद्यार्थियों की एकाग्रता में आज कमी आ सकती है, साथ ही कैरियर में संघर्ष के योग बन रहे हैं, लेकिन संघर्ष से घबराएं नहीं, संघर्ष के पश्चात सफलता के भी योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज के दिन अगर चुकंदर अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग सभी प्रकार के चमकीले रंग। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज सातवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रसन्नता से भरा हुआ रहने वाला है। दिन भर में आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी, परिवारजनों का और सगे संबंधियों का आपको प्यार मिलेगा, ऑफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। आज किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे कि आप बहुत दिनों से मिल नहीं पाए थे और आपके लिए काफ़ी खास भी है वो। व्यापार और धन की बात करें तो आज पार्टनरशिप के माध्यम से व्यापार में लाभ हो सकता है, ससुराल के पक्ष से भी कुछ धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, भूमि प्रॉपर्टी मकान के सुख में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तिगत सुख में भी वृद्धि होगी, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और बचत भी आपकी आज बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है, मेहनत करें उसका पूरा फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज दाम्पत्य जीवन की खुशियां बढ़ सकती है, जीवन साथी के सहयोग से आपके काम भी बन सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। कुल मिलाकर आज के दिन अगर जौ या जौ से बनी हुई चीजें खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग नारंगी रंग। बात करेंगे अब धनु राशि की, धनु राशि में चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप धनु राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार आ सकता है, आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी आपके। आज के दिन अपने व्यक्तित्व पर विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि व्यक्तित्व निखरने के साथ साथ इसे नुकसान भी पहुंच सकता है। वो कैसे, आपके लड़ाई झगड़े के प्रबल योग बन रहे हैं तो आपको लड़ाई झगड़े से बचना होगा, पड़ोसियों से मित्रों से सगे संबंधियों से जो भी आसपास है आपके सबसे अधिक से अधिक मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें, और साथ ही जब भी घर से बाहर निकलें अपने वाहन को भी नियंत्रण में चलाएं। चंद्रमा जब आठवें स्थान में होता है तो इन्हीं तरह के कार्य होते हैं, तो आपको दुर्घटना और लड़ाई झगड़े दोनों से बचना है आज दिन भर में। बेहतर यही होगा जब भी घर से बाहर निकलें आज का जो शुभ खाद्य मैंने वीडियो के अंत में बताया उसे खाकर निकलें, ताकि किसी ऐसे प्रकार के उलझनों का सामना आपको ना करना पड़े। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आय की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य से कम रहेगा, विद्यार्थी अपने मन को भटकने से बचाएं, आज आपका मन अपेक्षाकृत ज़्यादा चंचल रह सकता है, पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में मन लगेगा, तो हर चीज़ के अलावा पढ़ाई में ही मन लगाइए, सफलता आपको तभी मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ आ सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है, किसी प्रकार की चिंता या उधेड़बुन रह सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो जीवन साथी से आपसी सामंजस्य बना के रखने का प्रयास करें, जीवन साथी से मतभेद के योग बन रहे हैं तो आपको अच्छे संबंध बना के रखना होगा। आज के दिन अगर दही
अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग फल सही रंग। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि में चंद्रमा आज नौवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आध्यात्मिक सुख मिलेगा आपको, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपका मन आज लगा रहेगा। भगवान की कृपा भी आप पर बनेगी। सरकारी ऑफिस से संबंधित कार्य आपका सफल रहने वाले हैं। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो धन प्राप्ति के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। व्यापार में भी लाभ होगा, ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। माँ सरस्वती की कृपा पर बनी रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, लेकिन गैस संबंधी समस्या रह सकती है, तो बाहर के खाने से बचें, इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन ठीक ठाक कहा जा सकता है। जीवन साथी के मन में विश्वास बढ़ाने की कोशिश करें, इससे आपके संबंध सुदृढ़ होंगे। आज के दिन का सेब अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग आसमानी रंग। बात करेंगे अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि में चंद्रमा आज दसवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, हर जगह आपको मान सम्मान भी मिलेगा। भविष्य के लिए आप कोई सकारात्मक योजना आज बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाले दिनों में सफलता की प्राप्ति करा सकता है। व्यापार और धन की बात करें तो सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, जैसे मकान, भूमि, वाहन। माता के सुख में भी वृद्धि होगी। जो भी कार्य आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसमें आपकी रुचि बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यापार में लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। बात करें विद्यार्थी की, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। अपने लक्ष्य को साधने के लिए विशेष रणनीति बनाएं, इससे आपको फायदा भी होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन आपकी मानसिक शांति आज अस्थिर रह सकती है, किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। जीवन साथी से आपसी सामंजस्य भी बनाए रखें। आज के दिन ब्राउन राइस यानी कि पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग नीला रंग। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आपको परिवारजनों का पूरा साथ मिलेगा, खास करके छोटे भाई बहनों से। ऑफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं और यात्रा आपकी शुभ भी रहने वाली है। जहाँ भी जाएंगे आपके कार्य भी बनते हुए दिखेंगे आपको। पिता का भी भरपूर सहयोग आपको मिल सकता है। बात करेंगे मीन राशि के व्यापार और धन की, तो मीन राशि के जातक भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ें बेचते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोबाइल फोन, फ्रिज, कपड़े इत्यादि, उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। उनके व्यापार में वृद्धि भी होगी। कहीं अगर आपके पैसे बकाए हैं तो वहाँ से पैसे मांगें, आज वहाँ से पैसे आपको मिल सकते हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज की मेहनत भरा रह सकता है। मेहनत करें, उसका पूरा फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे। बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कुछ खाली समय व्यतीत करें, संबंध इससे आपके और भी ज़्यादा मधुर होंगे। आज के दिन अगर बादाम अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग फल सही रंग। तो मित्रों, ये था आज के 12 राशि का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय यानी कि गुलिक काल रहने वाला है दिन के 12:35 से लेकर 1:57 तक। इस समय कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहने वाला है दिन के 3:18 से लेकर शाम के 4:40 तक। इस समय में कुछ भी नया कार्य आरंभ करने से बचें, असफलता हाथ लग सकती है। दिशाशूल रहने वाला है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा बिल्कुल ना करें। शुभ खाद्य आज का रहने वाला है गुड़। गुड़ खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, आपके कार्य आज बनेंगे। मित्रों, अब जान लेते हैं आज के भाग्यवर्धक उपाय को। आज दिन है मंगलवार का और मंगलवार के दिन एक सावधानी निश्चित तौर पर बरतें हैं कि इस दिन ना ही नाखून काटें, ना ही शेविंग बनाएं, ना ही बाल कटवाएं और ना ही किसी प्रकार के मांस या मदिरा का खान पान में उपयोग करें। ये सभी चीज़ें बिल्कुल मंगलवार को वर्जित है। जो भी व्यक्ति इस चीज़ का पालन नहीं करता, मंगल ग्रह उन पर हमेशा रुष्ट रहते हैं, हनुमान जी की कृपा भी नहीं बन पाती।
तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मित्रों ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल के संपूर्ण राशिफल के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।